दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां जल स्तंभ बचाने एवं विश्व शांति के लिए 58वें दिन भी संकल्प फाउंडेशन की महिलाओं ने आंदोलन को गति दी। आपको बता दें कि समाजवादी जनपरिषद, नारी चेतना मंच एवं विंध्याचल जल आंदोलन के तत्वाधान में ऐतिहासिक जल स्तंभ को बचाने और यूक्रेन रूस के युद्ध के विरोध में विश्व शांति के लिए दीप प्रज्वलन सत्याग्रह 58वें दिन भी जारी है। इस अवसर पर संकल्प फाउंडेशन की महिलाओं ने अपनी विशेष उपस्थिति को दर्ज कराते हुए जल स्तंभ बचाओ अभियान को गति प्रदान की। पिछले 58 दिनों से चल रहे जल स्तंभ बचाओ आंदोलन ने आजादी के रणबांकुरों की कुर्बानी की पावन स्मृति को ताजा किया। जल स्तंभ सभी धर्म वर्ग समुदाय के लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसका महत्व किसी भी उपासना स्थल से कम नहीं है। वहीं रीवा के जयस्तंभ चौक के पास मौजूद पुराने गवर्नमेंट प्रेस को हटाकर नए बनाए गए उद्योगपति समदड़िया मॉल के सौंदर्यीकरण के लिए जयस्तंभ को हटाए जाने की बात निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। जयस्तंभ चौक का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, न कि समदड़िया मॉल के लिए जयस्तंभ को हटाया जाना चाहिए। सोने की प्रतिकृति भी ऐतिहासिक जयस्तंभ की जगह नहीं ले सकती। दीप प्रज्वलन सत्याग्रह में प्रमुख रूप से समाजवादी जनपरिषद के नेता, लोकतंत्र सेनानी अजय खरे, संकल्प फाउंडेशन के प्रमुख नजमा बेगम, नाहिद परवीन, कायनात परवीन, अब्दुल निशा, शाहीन बानू, रेशमा खातून, साहित्यकार, समाजसेवी मंत संतोष, समाजसेवी ब्रजवासी प्रसाद तिवारी, जयस्तंभ क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक सुभाष चंद्र प्रजापति, नंदकिशोर पुरवार आदि की भागीदारी रही।